friends. जैसे फिर से हम थोड़ा सा आगे आ गए एंड देन अगेन वी आर हियर इन सिलवासा विच इज़ इन द यूनियन टेरिटरी दैट्स दादरा एंड नागर हवेली. अभी हम बाहर निकल लेंगे और थोड़ा बहुत भी घूमेंगे तो अगेन हम गुजरात में पहुंच जाएंगे. सो इट्स गुजरात एंड दादरा एंड नागर हवेली कनेक्टेड टू ईच अदर एंड दैट टू इन द सेम सिटी इट फील्स लाइक. सो दैट इज द यूनिक थिंग अबाउट इट जो मुझे इतने टाइम तक पता नहीं थी. सो या जिसको पता है उसके लिए वेल एंड गुड, जिसको नहीं पता उनके लिए है समथिंग न्यू. तो अभी दोपहर के 12 बजे लेकिन आप देखिए यहाँ पे बारिश हो रही है बहुत जोर से एंड द व्यू इज जस्ट सो अमेजिंग. आई वॉज गेटिंग रेडी, मैं जस्ट नहा के आई थी, आप देख सकते मेरे बाल गीले, बट जैसे ही मैंने देखा बारिश शुरू हो गई आई कुडंट स्टॉप माय सेल्फ टू एन्जॉय दिस व्यू. एंड गाइस अभी क्लियर दिख नहीं रहा है बट पूरा फॉग हो चुका है एंड हवा भी इतने जोर से आ रही है. आई एम लविंग इट. एंड अगर आपने मेरा चैनल देखा होगा फ्रॉम द वेरी फर्स्ट, तो लास्ट ईयर से मैंने ब्लॉगिंग शुरू की थी एंड माई फर्स्ट व्लॉग वॉज माई बर्थडे व्लॉग. लास्ट ईयर आई सेलिब्रेटेड इट इन मुंबई, आई एक्सप्लोर मुंबई. And this year I decided to celebrate my birthday with this greenery, with the nature. And I don't think इससे अच्छी जगह मुझे कहीं और मिल सकती थी. It's just the best. And my dream is completed. My birthday is successful. I have already enjoyed it. मैं पिछले आधे पौन घंटे से व्यू एंजॉय कर रही हूँ फिर भी मेरा मन नहीं भर रहा है. बस लग जाए यही अपना बिस्तर डाल के लेट जाऊँ और ये व्यू एंजॉय करते रहूँ बस पूरा दिन पूरी रात. आई एम जस्ट टोटली मैड फॉर नेचर. बारिश
Also Shiv Mandir over here, so people, especially old people, can also come and spend their time here in the Mandir. So guys, ये था पूरा resort का look. हर तरफ greenery है, इतने बड़े बड़े झाड़ है, पता नहीं कितने कितने साल पुराने. And finally आप clearly अभी देख सकते हैं, this is Daman Ganga. अभी बारिश की वजह से पूरा पानी मड वाटर जैसा हो गया है. गाइस ये जो है ना, ये पूरा रोड है, इसके एंड पे रेसिडेंशियल एरिया है, तो वहाँ पे रहने वाले सब लोग यहाँ पे सुबह जॉगिंग को, एक्सरसाइज के लिए वगैरह आते हैं, योगा एंड ऑल. सीरियसली अगर इतना अच्छा व्यू सुबह मिल रहा होगा तो मैं भी सुबह 4 बजे उठ के 2-3 घंटे यहाँ अपना टाइम स्पेंड कर सकती हूँ, एक्सरसाइज एंड ऑल सब कर लूँगी फिर तो. मैं ऐसा तो उठना होता नहीं है कभी. अगर आपको कभी ये विजिट करनी होगी ना प्लेस, तो डेफिनेटली बारिश के मौसम में ही करना, क्योंकि यहाँ के स्टाफ बता रहे थे ये पूरे 12 महीने अच्छा तो लगता है, बट बेस्ट टाइम अगर कोई है यहाँ पे स्पेंड करने के लिए तो वो बारिश का मौसम है. सो एडवर्टाइजिंग नहीं कर रही हूँ, आई एम जेन्युइनली सेइंग इट. सो आफ्टर एंजॉइंग सनसेट वी गॉट रेडी एंड नाउ वी आर लिविंग फॉर डिनर समवेयर एट अ वेरी कूल प्लेस.